वर्तमान परिवेश आपण केमिति देखुछंति कारण मंत्र उच्चारण रे चतुर्दिक प्रकंपित होउछि किंतु सब किछि कटकणा भितरे मानिबाकु पडुछि। निश्चित कथा सबकिछि कटकणा भितरे मानिया पई पडुछि तार कारण होउछि ये होउछि महामारी रो समय तेणु महामारी रो समय पाखरे जेतेबेळे जीवन को अधिक गुरुत्व दिया जायछि सेतिपई सरकार लगेछन्ति प्रतिबंधक। देखो तो आमे अछु घर घर पूजा जो पूजा के प्राय 169 वर्ष धरिकी घर घर पूजा चली ये हूँ पारंपरिक पूजा ये माँ को हर पार्वती रूप से पूजा करा जाए विभिन्न जगह आप देखिथे माँ दशभुजाई आविर्भाव होता दुर्गा रूप से किंतु ये माँ हर पार्वती रूप से पूजा पाती 169 वर्ष विशेषकर जो कर घर जो परंपरा रही पश्चिमबंग जेहेतु बिलंगस करते पश्चिमबंगर परंपरा अनुसार ये पूजा अर्चना कराए। मो सहित नना अच्छे आम नना सहित कथा नना जो अष्टमी पूजार कौन विशेषत्व अष्टमी पूजा कहीं किए कर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अभय वरदान पाइबापी माँ दुर्गा उपासना कर एक शत अष्ट पद्म दान करते अभय प्राप्ति पाई महाअष्टमी माँ जयदुर्गा भट्टारिका रूप से पूजा करते माँ भट्टारिका रूप से पूजा पाई जितेबले रामचंद्र 108 कमल देकी रावण को जितापी बर मागि से माँ परीक्षा नहीं परीक्षा से जो जानते जे 108 पे सब गोटे कमल कम होते से कही गोटे कमल कहीं कम होते रामचंद्र दर्शाई जे सी होती कमल लोचन तेणुता गोटे चक्षु ही दान करदे तेल 108 पूरण हो से निज चक्षु जो दान करने चाहते से आविर्भाव होते माँ और इच्छा पूरण करते मो सहित आयोजक अच्छा कथा ये हर पार्वती रूप कहीं विभिन्न जगह दशभुजा दुर्गा रूप से ये कहीं हर पार्वती पूर्वपुरुष मैंने आगु हर पार्वती रूप से गोटे पीतल मूर्ति ये पूजा आरंभ करते तो से ही रूप से जो मनमय मूर्ति देखुं से ही रूप से आम मनमय मूर्ति 159 वर्ष होगा पूजा हो 159 वर्ष होगा पूजा चली कि आप देखिथे बंगला परंपरा अनुसार ये गोटे सिंदूर खेल परंपरा रही जिते माँ को विदाय दि जाए सेतेबेळे से सिंदूर खेल कराए सिंदूर खेल कहा सहित कराए तार परंपरा कौन कौन से विषय में कथापी मो सहित जन माँ अच्छे आम कथा माँ आम देखीचु जो आप सिंदूर खेल हुए से सिंदूर खेल केबे हुए आ कहीं करा जाए सिंदूर खेल आम दशहरा दिन हुए जिते ठाकुर देवी आमठ विदाय नि आम एटी झीओ जई रूप से पूजा करता देवी विदाय नेला बेले जमी सदवा नारी को शंखा सिंदूर दे विदाय करमती आम माँ को शंखा सिंदूर दे आम निज निज भितर सिंदूर बड़ाबली हो खेली माँ को विदा दे जितेबाला छुआ झीओ भाव माँ को आह्वान करमी विदा कला बेल सिंदूर खेल कराए माँ आपण समय जमी पूजा होता एवं जमी पूजा होता भितर फरक कौन देखुं नुआ किस देखी आगेकार मत पूजा होगेकार दुर्गा पूजार 10 हाथ छिलो उचुनिका हर पार्वती 10 हाथ ना बर्तमान आप देखिले जो कमल लोचन आज अष्ट अष्टमी पूजा कमल लोचन भाव रामचंद्र निज चक्षुदान कर पूजा समर्पण समापन करने चाहते से ही पूजा ही आज चली आज पर अष्टमी पूजा और नवमी पूजा मझे संधि पूजा हे से संधि पूजा पर नवमी पूजा आरंभ हे और तापर दशमी पूजा हे आप देखते माँ को जो मूर्म मूर्ति आप देखुं ये हूँ 169 भाव में आज सबुठ देखुं ये भक्तिमय परिवेश समस्ते खूब आनंदर सहित पूजा अर्चन लगी महिला मैंने आज स्वतंत्र जो व्रत परंपरा रही अष्टमी पूजा व्रत परंपरा ताकूब भल भाव पालन करेतु करोना कटक रही तार गुरुत्व निश्चित भाव लोक मैंने बुझी जेहेतु या महामारी समय तेणु निश्चित भाव समर्पण समय अच्छे माँ का पाखे निजक समर्पण कर देखु ये जो करघर मूर्ति रही करघर मूर्ति पाखे तो बर्तमान हर पार्वती रूप से माँ पूजा पाते हर पार्वती रूप से माँ पूजा पाई करुणा निधि बारी ढाई दौर भक्त मुझे जानापी चाहिए आप जो करघर दासघर आ राजा घर ये तीन घर पूजार कौन विशेषत्व ये प्रथम तो प्राय 150 वर्ष पूर्व एका सांगे पूजा होता तीन जमीदार एका सांगे मिसी पूजा करते प्लस तरह मंडल घर भी ये तीन परिवार तीन जमीदार पूजा करिया सांगे भी मंडल जमीदार घर भी पूजा होता 4 जमीदार मिसी ये गोटे बैठकखाना थी ये बैठकखाना पूजा होता समय क्रम से अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाए
ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ପୂଜା ହୁଏ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକି ସଧବା ନାରୀର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳୁ। କେଉଁ ଦିନ କରାଯାଏ, ସେଇଟା କେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଏଠି ଚାଲେ ସେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ? ପ୍ରାୟତଃ ଦଶହରା ଦିନ ବିସର୍ଜନ ପରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଚାଲେ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଦୁର ଭଳିବା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ହସଖୁସିରେ ନାଚ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ, ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କରିଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଝିଅ ଭାବେ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ, ପୁଣି ତାକୁ ସଧବା ଝିଅ ଭାବେ ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠାଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସଧବାର ପ୍ରତୀକ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ସେମିତି ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଏ ପାର୍ବଣକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତେ ହସଖୁସିରେ ମିଳିମିଶି ମନାଉଥାନ୍ତୁ।